Then what? Can you accept if the trap are boom? If you take us, I'm sorry. If train up over you, train up for the you, and what? You take us. इसको क्या कहेंगे? उम कहेंगे. अब इसके बाद ये सर्वाइकल पैटर्न लग जाएगा. ये आपका एग्जाम में भी आया था, अभी फर्स्ट रिपोर्ट में आया था. आपने देखा बहुत लोग किए थे, बहुत लोग गड़बड़ किए थे. तो बिल्कुल इसमें कुछ सस्पेक्शन की बात नहीं है. जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ना अलर्ट करना ही है आपको, ताकि उसमें मार्क्स बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर पूछा जा सकता है. तो अब यहाँ ओवरी का काम क्या है, का काम क्या है, उसमें पूछा था कि वेयर ओवर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ओवरी में वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फैलोपियन ट्यूब वेयर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एम्ब्रियो इनटू फीटस अकर्स, यूटरस में फीटस का डेवलपमेंट एंड बर्थ फॉर द सर्वाइकल कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक. अब थोड़ा सा डिटेल में हमने ओवरी के बारे में जानना, ओवरी है क्या. अगर हम ओवरी को देखें, जैसे हमने मेल का बताया था, ये ओवरी है, ओवरी में भी जर्मिनल एपिथेलियम, ओवरी में भी क्या है बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ये जर्मिनल एपिथेलियम अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसी से ओवम बनने वाला. तो यहां पर ब्लड कपड़ी भी सप्लाई है, ये सारे है, लेकिन फीमेल फीटस व्हेन प्रेजेंट इन हर मदर उम, फीमेल फीटस व्हेन डेवलपिंग इन हर मदर उम, अपने फीटल स्टेज में ही ध्यान रखो, यहां पे इस पर मेटोजेनेसिस हुआ था, कब हुआ था, प्यूबर्टी के समय मेल में. अब यहां पे ओजेनेसिस कब शुरू हो गया, जब फीमेल फीटस अपने मदर के उम में ग्रो कर रही है, तभी जन्म के समय ही. यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम से वो गोनिया बना, क्या बना वो गोनिया, उसमें क्या बताया था हमने, इस पर मैं तो गोनिया, यहां क्या बोल रहा हूं, वो गोनिया. अब वो गोनिया, यह वो गोनिया ग्रो करके ये क्या बना लिया, प्राइमरी वो साइट बना लिया. तो ये 2L है, तो ये भी 2L है. अभी प्राइमरी वो साइट स्टेज में इतने सारे सेल्स हैं, इसमें कम से कम हर एक ओवरी में 60,000 70,000 से 1,00,000 फीटल स्टेज में ही, फीमेल जब फीटल स्टेज में है, अपने मदर के उम में ग्रो कर रही है, उसको कुछ दुनिया का पता भी नहीं है, उसी समय उसके हर एक ओवरी में कितने प्राइमरी वो साइट बन गए, 60,000 से 70,000 या लगभग 1,00,000. और वो चारों को फॉलिकुलर सेल से घिर गए, ये किससे घिर गए, फॉलिकुलर सेल से घिर गए. इसको कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल, क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल या इमैच्योर फॉलिकल. कितने प्राइमरी फॉलिकल बन गए, 60,000 से 70,000, क्या उससे ज्यादा ही बन गए, कब बन गए फीटल स्टेज में, फीटल स्टेज में. अब उस समय केवल प्राइमरी ओसाइट में प्रॉफिट फर्स्ट स्टार्ट होगा मियोसिस का, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं, अभी 11th में जाएंगे तो मालूम होगा, बस इतना जान लीजिए कि अभी मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, और उसी पे जाके रुक गया, उसी पे जाके अब मियोसिस फर्स्ट अभी कंप्लीट नहीं होगा. अब चारों ओवेरियन फॉलिकल से गिर गए, और ये फॉलिकल से गिर गए किस स्टेज में है, किस स्टेज में है, प्राइमरी ओसाइट. अब इसको कहते हैं इमैच्योर फॉलिकल, क्या कहते हैं, इमैच्योर फॉलिकल, या इसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, क्या कहते हैं, क्यों प्राइमरी फॉलिकल, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट इसमें, प्राइमरी फॉलिकल, इमैच्योर फॉलिकल. अब फीमेल चाइल्ड ने जन्म लिया, ग्रो किया, जब उसकी एज 12-13 साल की हो गई, फिर वहां भी वही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, कौन हार्मोन निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन, FSH एंड LH. अब जब वो टीनेज आ गया, उसका प्यूबर्टी आ गई, 13 साल 12 साल 13 साल, तो अब ये FSH हार्मोन आया ब्लड से होके, अब केवल एक फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा,
अब वो फाल के लिए स्टिमुलेट होगा ये प्राइमरी ओसाइट में, यहाँ पे लेयर बन जाएगा, कोरोनरी एरिया बन जाएगा, और यहाँ पे फाल की सेफ पर का हार्मोन भी निकलने लगेगा। ये फाल की से जो हार्मोन निकलेगा उसको कहते हैं क्या? इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन हार्मोन कहेंगे। और जैसे इस्ट्रोजन हार्मोन निकलना शुरू हुआ, अब उस फीमेल चाइल्ड के जो प्यूबर्टी में है उसके अंदर डेवलपमेंट बॉडी का होने लगा। आप देखते हैं बॉडी का डेवलपमेंट कंट्रोल बनने लगता है, मालूम हो जाता है कि अभी टीनेज आ गया है। समझ रहे हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वहां भी डेवलप होने लगते हैं। और इस्ट्रोजन ये हार्मोन निकला किससे? ओवेरियन फाल्के से निकला, लेकिन कहते हैं ओवरी से निकला है। भाई ओवरी के अंदर है तो ओवेरियन फाल्के से ही निकला है। प्राइमरी ओसाइट का डिवीजन होगा, मियासिस डिवीजन होगा, मियासिस डिवीजन होके क्रोमोसोम तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, 23 एक तरफ जाएगा 23 एक तरफ, लेकिन जो उसका साइटोप्लाज्म है अनइक्वली डिवाइड होगा, एक को ज्यादा मिलेगा और एक को बहुत कम मिलेगा। तो जिसको ज्यादा मिलेगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी ओसाइट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ओसाइट। और जिसको कम मिला साइटोप्लाज्म उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पोडल सेल। कल बोल रहे थे ना कि एंटीपोडल सेल का क्या होता है, एंटीपोडल सेल डिजेनरेट कर जाता है, वैसे ही यहां पोडल सेल भी क्या करेगा? डिजेनरेट कर जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो केवल इसलिए बना कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाए। तो इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा आ गया, ओप्लाज्म ज्यादा आ गया, ये बगा है तो सेकेंडरी ओसाइट हो गया। अब सेकेंडरी ओसाइट कंडीशन में ही यह जो फाल्किन था यह टर्शियरी फाल्किन में बदल गया। किस फाल्किन में बदल गया? किस फाल्किन में बदल गया? टर्शियरी फाल्किन में बदल गया। प्राइमरी फाल्किन या सेकेंडरी फाल्किन और ये क्या हो गया? टर्शियरी फाल्किन। और टर्शियरी फाल्किन के बाद अब यहां पे जोना पिलुसिडा की लेयर बन गई। अब यह बदल गया किसमें? ग्रेफियन फाल्किन में। किसमें बदल गया? ग्रेफियन फाल्किन में। किसमें बदल गया? ग्रेफियन फाल्किन। अब जैसे ही ग्रेफियन फाल्किन बन गया, अब यह एलएच हार्मोन का नंबर आता है। एफएसएच हार्मोन ने अपना काम कर दिया, फाल्किन मैच्योर हो गया, ग्रेफियन फाल्किन तक पहुंच गया। अब काम किसका आता है? एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये इनको स्टिमुलेट किया कि यह सेकेंडरी फाल्किन माने ओवम रिलीज हो जाए। अब यह यहां से फूटा और ओवम क्या हो गया? रिलीज हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जरा बताइए? रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फाल्किन इज कॉल्ड व्हाट? यस, ओजेनेसिस। ओव्यूलेशन। ओजेनेसिस में हो ही रहा, ओजेनेसिस तो हो ही रहा, इसको क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फाल्किन इज फ्रॉम द ओवरी, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, व्हिच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फाल्किन। वेरी अच्छा, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। अब ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, कौन खाली हो गया? ग्रेफियन फाल्किन खाली हो गया। अब खाली हो गया तो इसमें ब्लड जमा हो गया और ये क्या बना लिया? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम की क्या जरूरत है? कार्पस ल्यूटियम की इसलिए जरूरत है कि ये एक हार्मोन रिलीज करे जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब इसको मालूम है कार्पस ल्यूटियम को कि ओवम रिलीज हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में आएगा और बाय द चांस स्पर्म आ गया, फर्टिलाइज होगा, तो इसको यहाँ इम्प्लांट होना है। इम्प्लांट होना तो पहले से यहाँ पर ब्लड सप्लाई तेज करनी पड़ेगी या नहीं करेगी? अब पहले से तेज नहीं करेंगे, आ गया इम्प्लांट ही नहीं होगा तो सब मतलब पूरा प्रयास क्या हो गया? विफल हो गया। इसे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, एम्प्टी फाल्किन गेट कन्वर्ट इनटू कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस, जो एकदम इनर लाइनिंग है यूटेरस की,
stimulate the endometrium lining of uterus to increase the blood capillaries and blood supply and becomes vascularized. जिसे घर में मेहमान आने वाले हैं तो पूरी पकवान सब पका के रखते हैं कि आए लोग अच्छे से खिलाएंगे, वैसे मेहमान आने वाला है ना, ओबामा मजे नहीं छुआ, इसका वेलकम कैसे होगा? फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा, तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा ना, तो पहले से तैयारी शुरू हो गई। एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो आ रहा है तो फर्टिलाइज होगा, जायगोट में बदलेगा, ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा, इम्प्लांट होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो कहां से मिलेगा? This progesterone stimulates the endometrium lining of endometrium lining of uterus for vascularization. Vascularization by increasing blood capillaries and blood supply. By increasing blood capillaries and blood supply. Why this process is needed? To provide nutrition to embryo if get implanted. अगर वो implant हो मेहमान आया नहीं तो कहां से खिलाओगे? आएगा तो खिलाओगे ना, अब पका के रख दिया, मेहमान आया नहीं तो क्या होगा? कितना खाओगे? वेस्टेज होगा ना, खराब होगा। तो यहां पे सप्लाई तेज हो गई, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई, इसलिए कि वो आए, फर्टिलाइज हो, जाइगोट बने, ब्लास्टोसिस्ट बने, इम्प्लांट हो, उसको न्यूट्रिशन मिले और ग्रो करके फिटस में बदले, पहले से तैयारी हो गई। अब टू एम्ब्रियो इफ गेट इम्प्लांटेड अगर इम्प्लांट होता है तब, अगर यहां से ओबम आया, ओबम आकर के आया कहां, फैलोपियन ट्यूब में यहां आ गया और यहां स्पर्मी नहीं है, स्पर्मी नहीं है, अनफर्टिलाइज रह गया, यहां आया और इम्प्लांट नहीं होगा, तो क्या होगा? अब ये भी डिजेनरेट कर जाएगा, कार्पोसिलिकियम डिजेनरेट कर जाएगा, और जब डिजेनरेट करेगा तो ब्लड सप्लाई रुक गई, यहां टियरिंग एंड ब्लीडिंग होने लगा, टूट फूट होने लगा, ब्लड के साथ अनफर्टिलाइज ओवम रिलीज हुआ, इसको कहते हैं मेनस्ट्रुएशन। सर क्यों सर टूटती है सर? हां वाल सर क्यों टियरिंग एंड ब्लीडिंग? सर काम ही नहीं है, उसका यूज होने वाला नहीं है, पूरी बारात का खाना पकाए हैं, बारात वापस लौट गई, कोई खाने वाला है ही नहीं, क्या करेंगे उसको? खराब हो जाएगा। यहां भी तो एक्स्ट्रा सप्लाई है, क्या करेंगे उसका? टूट फूट होके उसको सलाटा होकर बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं समझा आपने? उसका यूज अब नहीं है, यूज कब होता? जब वो फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट हो जाएगा। तो टियरिंग ब्लीडिंग हो गई, सलाटा टिश्यू हो गए, उसके साथ कुछ ब्लड, कुछ टिश्यू अनफर्टिलाइज हो कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड मेनस्ट्रुएशन। अभी इसको क्लियर होने में 2-3 दिन लगते हैं, 3 से 5 दिन लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसके बाद टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है एकदम घाव हो गया, टिश्यू रिपेयर हो जाएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया एक बार? तो आपने देखा कमाल इस हार्मोन का, ये एफएसएच आया, स्टिमुलेट किया, ये फालिकल डेवलप हुआ, मैच्योर फालिकल में बनता, टर्शियरी फालिकल, सेक्रामेंट, सेकेंडरी सेक्रेट, टर्शियरी सेक्रेट, और ये आया ओवम को रिलीज किया, देन ओव्यूलेशन, और रिलीज होते ही इम्प्टी फालिकल गेट कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट स्टिमुलेट प्रोजेस्टेरॉन, देन स्टिमुलेट द सप्लाई ऑफ ब्लड इनटू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटरस इन द होप दैट ओवम इज कमिंग एंड इट विल गेट फर्टिलाइज्ड एंड गेट इम्प्लांट, इस उम्मीद से। लेकिन व्हेन ओवम कम्स इनटू फैलोपियन ट्यूब पासेस थ्रू इनफर्टिबुलम एम्पुला एंड स्टमस एंड देयर इज नो चांस ऑफ स्पर्म, देन यू विल नॉट गेट इन फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज ओवम कम्स इनटू यूटरस, अनफर्टिलाइज ओवम विल नॉट गेट इम्प्लांट, देन दिस कॉर्पस ल्यूटियम
aluminum degenerates, progesterone level becomes low, tearing and bearing of this blood supply takes place, slut of tissue, blood and unfertilized ovum comes out through the vaginal tract, cervical canal outside the body of the female, and this bleeding occurs for 3 to 5 days, that is called amenorrheus dolens. Okay, after that again जैसे आज मेंस्ट्रुएशन हुआ, आज हुआ, इसके बाद फिर से ये रिपेयर हो गया, इसके बाद फिर से ये फिर से हार्मोन निकला, फिर से नेक्स्ट इमैच्योर फॉलिकल को ग्रो कराएगा, अगेन ग्रेपिंग फॉलिकल बना, अगेन ये हार्मोन ओव्यूलेशन कराया, अब आज मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ, इसके 14वें दिन में फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा, और ओव्यूलेशन के 14वें दिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखिए। मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन ओव्यूलेशन नेक्स्ट वाला होगा, ओव्यूलेशन के 14वें दिन में नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, माने मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन 14वें दिन मेंस्ट्रुएशन, तो 14 14 28वें दिन मेंस्ट्रुएशन रिपीट कर जाएगा, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिपीट क्यों करेगा अगर फिर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, अगर फर्टिलाइज हो गया तो रिपीट कब तक नहीं करेगा, 270 दिन तक रुका रहेगा, और उसके बाद भी 5-6 महीने जब तक मदर अपने शिशु को अच्छे से दूध पिलाते रहेगी तब तक वो किसी एफ एस एक्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो मेंस्ट्रुएशन के आफ्टर 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन अकर एंड आफ्टर 14 डेज ऑफ ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन अकर इफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया सबको, इट इज क्लियर। अच्छा, अब बाई द चांस ओव्यूलेशन अगर इट कम्स इनटू फैलोपियन ट्यूब रिसीव्ड बाय द फिमले या फिमले, अब क्या करते हैं, क्रिकेट की बाल आती है तो क्या करते हैं, ऐसे रोकते हैं या ऐसे रोकते हैं, फिंगर लगा के रोकते हैं ना, तो यहां भी फिमले है, जैसे वो निकला उसको रिसीव कर दिया और इसी करते पे इंफर्टिलिटी होते हुए एम्बुलाय स्प्रिंग जंक्शन पे आ गया, और यहां अगर इस पर मार गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर यहां से होते हुए कहां चला आया, तो यहां किस स्टेज में होगा इम्प्लांटेशन, ये तो बात क्लियर हो गई सबको।